की एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 एक्सरसाइज में क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फोर्स की कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें हमें बताना है कि ये ट्रू है या फोर्स है। अब फर्स्ट ए पार्ट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर। इसमें क्या बताया है कि सारी रेक्टेंगल स्क्वेयर्स होती है। तो रेक्टेंगल क्या होती है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वेयर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल हुई, सारी साइड्स इक्वल नहीं हुई, तो स्टेटमेंट कैसी आ जाएगी, ये फॉल्स। कैसी आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो आमने सामने साइड इक्वल होती है, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, तो सारे जो रेक्टेंगल है वो क्या नहीं होते, स्क्वेयर नहीं होते, स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कहता है कि जो सारी जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होती है, तो होती है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें सारी की सारी जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस। कहता है कि जो सारे जो स्क्वेयर है वो रोम्बस है और रेक्टेंगल भी है, तो सारे के सारे स्क्वेयर है। स्क्वेयर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब सारे के सारे जो स्क्वेयर है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ये आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है डी पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इसमें क्या कह रहा है कि सारे स्क्वेयर पैरेललोग्राम नहीं होते, जबकि ऐसा पॉसिबल है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या जाएगा, फोर्स। नेक्स्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। कहता है कि सारे काइट्स है, काइट्स में वन पेयर पैरेलल होता है, और कहता है कि सारे काइट्स रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर काइट। लेकिन सारी की जो रोम्बस है वो काइट होगी, ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल इज सेट टू बी ट्रेपीजियम इफ वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब एक पेयर अपोजिट साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब जो सारे जो पैरेललोग्राम है वो क्या होंगे, ट्रेपीजियम होंगे, तो स्टेटमेंट कैसी आ गई, ये ट्रू आ गई। क्या आ गई, ट्रू। लास्ट एच पार्ट क्या कहता है अपने पास, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम। सारे स्क्वेयर्स भी क्या होंगे, ट्रेपीजियम होंगे, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होंगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ट्रू। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.4।